ज्ञान प्रमिरामस ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकापदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ दिव्यवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवर्मौक्तिकं करतले करे च कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलि गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपालचूडामणि। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न क्वापि तप्त कञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिभि। भक्त्याभिहीनापराधलक्ष्यै तीर्थासकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्द नमस्ते चरणारविन्दम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमती रघुनाथ दास श्रीजीव कुरुत मंदमती दयाकरा तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जनन प्रवजन्त मनपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमाणतस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा कर बोलिए बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरि बार जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ।
तत्पश्चात हरि शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रभुष्ठम विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण स्वर्ज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री परीक्षित महाराज ने कलियुग को उन्होंने चार जगह पर स्थान दे दिया था। इसका मतलब है अगर कलियुग में हम केवल चार नियमों का पालन करें और थोड़ी सी भगवान का नाम ले ले, हमारी बेड़ा पार हो जाए। बोले चार चीजों में पहला चीज है हमें जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण है सत्य। जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते, उनको झूठ झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए जुआ खेलने पर धर्म का पहला चरण जो सत्य है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्म स्वरूप, उन्होंने दुनिया को दिखाया, देखो मैं तो साक्षात धर्म स्वरूप हूँ, लेकिन ये जुआ खेला तो मेरी कितने सर्वनाश हो गए। राज्य गया, भाई गए, भरी सभा में अपना पत्नी की वस्त्र हरण देखना पड़ा, फिर हमें 13 साल तक हमें जंगल में भटकना पड़ा। इसलिए खबरदार, कभी भी ये जुए में कभी भी हाथ मत लगाया करो। अगर इतने दुख भोगना तो तभी ये जुए में हाथ लगाया करो। धर्म का जो दूसरा चरण है कहती है तपस्या है। बोले तपस्या कैसे नष्ट होता है? बोले किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु ग्रहण मत करो, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, गुटखा, शराब, ये सब चीज हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कि धर्म का जो तीसरा चरण है बोले पवित्रता। कदा आप वैध रूप में स्त्रियों को पुरुषों को साथ में, और जो पुरुष है स्त्रियों को साथ में नहीं मिलनी चाहिए। संसार करो, अपना शादी शुदा करके अपना पत्नी को साथ में ही अपना ये घर गृहस्थ को बैठा, नहीं तो ये पवित्रता को हम रक्षा नहीं कर सकते हैं। और धर्म का जो चौथा चरण है ये दया है। इसलिए हमें जीवन में जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा, प्याज, लहसुन आदि, हमें ये चीज को हमें सेवन नहीं करने चाहिए। इसलिए परीक्षित महाराज कलियुग को उन्हें चार जगह पर स्थान दिया। अगर जीवन में केवल ये चार नियमों का पालन करो और थोड़ी सी ठाकुर जी का नाम ले लो, बस इसलिए हमारे बेड़ा पार हो जाएगा। एक बार सब के सब हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। एक दिन श्री परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। आज इतने जोर से उनको प्यास लग रही थी, कभी जिंदगी में लगी नहीं। उन्होंने भ्रमण करते करते एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, उन्होंने उनको पानी मांगा, उन्होंने पानी नहीं दिया। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उन्होंने उठा करके उनको गले में माला रूप में पहना दिया। अभी उनका बेटा श्रृंगी ऋषि, किसने जा करके बोल दिया तुम यहाँ पर खेल रहे हो? श्री परीक्षित महाराज तुम्हारे आश्रम पर आए और पिताजी को पानी मांगे तो पानी नहीं दिया, और उनको गले में उन्होंने ये मरा हुआ सर्प को डाल करके चले गए। इतने में श्री ऋषि सिंह मुनि ने कौशिक नदी का पानी को उन्होंने उठाया, उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जिस राजा ने आज मेरे पिताजी के गले पर ये मरा हुआ सर्प को डाला, मैं अभिशाप देता हूँ सप्तम दिवस में उनको ये तक्षक दर्शन करेगा। अभी थोड़ी सी जब बेटा ने रोने लग गया, इतने पिताजी की आंख खुल गई। तो यहाँ पर प्रश्न होता है
अभी श्री परीक्षित महाराज आकर के इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोले पानी पानी पानी, इतने चिल्लाया लेकिन ऋषि तो आंख नहीं खोली। लेकिन जब बेटा थोड़ी सी आ करके रोने लग गया, इतने में उनकी आंख खुल गई, बोले ऐसे क्यों। तब हमारा टीकाकारों ने इसको पीछे दो रहस्य बताया। बोले पहला रहस्य यह है, अभी श्री परीक्षित महाराज के द्वारा अभी ये भागवत ग्रंथ प्रकाश होने वाला। पहले ऋषि लोग जब तपस्या में बैठते थे उनकी महीना महीना तक उनकी समाधि लग जाती थी। जोग माया ने देखा अगर ऋषि का ध्यान नहीं टूटा तो फिर ये परीक्षित महाराज को खबर कौन पहुंचाएगा। अभी श्री परीक्षित महाराज राज्य पाठ को छोड़ करके प्रायोपवेशन करेंगे, वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे, अभी ये श्रीमद् भागवत कथा होगी, फिर इस कथा कैसे घर होगी। इसलिए जोग माया ने किया कि उनको ध्यान को उनकी समाधि को उन्होंने तोड़ दिया। बल ये पहला कारण है। बल दूसरा कारण क्या है, बल ये परीक्षित महाराज ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये बहुत बड़े संत थे जिन्होंने मातृगर्भ में भगवान को दर्शन किया है। ठाकुर जी की गोद में जिन्होंने लालन पालन हुए हैं, ये बहुत बड़े ये संत थे। अगर कोई संत आपका घर में आए लेकिन उनका आतिथ्य संस्कार सत्कार नहीं किया हुआ हो फिर क्या होगा, कहते आपकी संत को चरण में अपराध हो जाएगा। अगर संत को चरण में अपराध हो जाएगी तो हमारी जो भक्ति है ये भक्ति घट जाएगी, भक्ति बढ़ेगी। इसलिए परीक्षित महाराज को जो पानी नहीं दिया जब उन्होंने चले गए, मानो उनके चरण में उनके अपराध हो गए, इसे उनकी आग खुल गई। देखा सामने बच्चे को रोते हुए, बोले बेटा क्या बात है, बोले पिताजी ऐसे ऐसे है, श्री परीक्षित महाराज हमारे आश्रम पर आए थे। बोले परीक्षित महाराज आए थे, बोले हाँ, बोले उनका आतिथ्य सत्कार किया कि नहीं, बोले पिताजी आपको पानी मांगे आपने पानी नहीं दिया, बोले फिर, बोले आपके गले में ये मरा हुआ सर्प को डाल दिया, बोले फिर, बोले फिर क्या, मैंने उनका अभिशाप दे दिया। सप्तम दिवस में उनको तक्षक दर्शन करेगा। सुन करके ऋषि को इतना क्रोध आया, फिर नालायक तेरे को पता है ये परीक्षित महाराज है कौन, ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और इनकी कृपा से ही हम निश्चित रूप में इनके राज्य में साधना भजन कर रहे हैं, कहां आश्रम पर आए पानी तक भी नहीं दिया, फिर उल्टा अभिशाप दे दिया तुमने। फिर ऋषि ने जितने सारे ब्राह्मण समाज को अभिशाप दिए, बोले मैं भी आज ये ब्राह्मण समाज को अभिशाप देता हूं, उनको जो वाक्य में जो शक्ति है ये सारे वाक्य में शक्ति सबके सब नष्ट हो जाएगा, इनकी बाग में कोई शक्ति नहीं रहेगी, तब से ब्राह्मण का जो बाग में शक्ति सबके सब नष्ट हो गया। बोले भैया कम से कम श्री परीक्षित महाराज को सूचित कर दो, इनके पास में केवल 7 दिन है। और उधर श्री परीक्षित महाराज बड़े दुखी, बोले क्यों, बोले मैं अर्जुन का वंशधर हूं, मेरे वंश में जितने लोग आए हैं सबके सब संतों को सत्कार किया है, कभी किसने संतों को अनादर नहीं किया, और मैं ऐसे के कुलागार जन्म लिया, मैंने पानी मांगा पानी नहीं दिया तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने संत का चरण में अपराध किया। अगर कोई संतों का चरण में अपराध कर डाले, अगर उसका प्रायश्चित हो जाए ना, फिर सारे अपराध खत्म हो जाते हैं। बोले इसकी कोई प्रायश्चित होनी चाहिए। जब एक ब्राह्मण ऋषि बालक आकर के बोले परीक्षित महाराज आपको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दी है, आपको सप्तम दिवस में ये तक्षक दर्शन करेगा, परीक्षित महाराज दुखी नहीं हुए, बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बहुत अच्छा, मैं तो यही चाह रहा था मेरे को दंड मिले, क्योंकि दंड मिल जाए तो सारे अपराध दूर हो जाता है। और दूसरी बात है, मरने से देखना एक सेकंड पहले किसको पता नहीं चलता है मैं मरने वाला हूं, लेकिन देखो ठाकुर की कितने दया मेरे ऊपर, मेरे को 7 दिन पहले मेरे को ठाकुर जी ने सूचित कर दिया तेरे पास में 7 दिन है, जो कुछ करना करना। बड़े प्रसन्न हो गए,
प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना बेटे को उन्होंने राज्याभिषेक करके और उन्होंने प्राय में वसन किया। बोले कहां पर? बोले गंगा किनारे में आकर के आश्रय लिया। बोले ये गंगा भगवान की ये चरणामृत है, मानो उन्होंने ठाकुर जी की चरणों को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया है। पहले कोई टेलीफोन नहीं था, लेकिन ऋषियों के पास में ऐसे दिव्य शक्ति थी, सारे ऋषियों को पता चला अभी यहाँ पर परिकृति महाराज प्राय व्यवसन किए हैं, सारे ऋषि समाज आएंगे, श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होने वाली, वहां पर 88,000 ऋषि लोग वहां पर उपस्थित हुए। परिकृति महाराज ने देखा ये मेरे ऊपर में कोई अभिशाप नहीं, ये तो मेरे ऊपर में वरदान है। जीवन में एक महापुरुष को संतों को दर्शन करना दुर्लभ है, लेकिन देखो यहाँ पर कितने संत है, 88,000 संत लोग, आज तो मेरे जीवन धन्य हो गया, प्रसन्न हो गए परिकृति महाराज। तब उन्होंने प्रश्न करते हैं, बोले हे ऋषियों आप लोग कृपा करके ये बताइए, एक दिन ना जी को मरना है, आज हो 100 साल के बाद में हो, सब एक दिन मरना है। आप बताइए आज कल परसों जो मरने वाला इसका क्या कर्तव्य है? लेकिन वहां पर जितने ऋषि समाज बैठे हुए थे, बोले नासौ मुनिर जस मतम न भिन्नम, ऐसे कोई ऋषि नहीं थे जिसका अलग ही मत नहीं था। कोई बोल रहे थे भैया नवदुर्गा की व्रत कर लो, बोले इनके पास में 7 दिन नवदुर्गा व्रत न दिन है। किसने बोले भैया मृत्युंजय के पाठ करो, बोले वो भी 40-41 दिन है। सबके सब अलग 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 बात कर रहे थे। कोई बोल रहे थे विघ्न विनाशनकारी श्री गणेश जी की पूजा करो, किसने कहा उसका भैया क्या कहीं चले गए, अरे भैया भैया की पूजा क्यों नहीं करते। किसने कहा भैया इसको पिताजी भोले बाबा को पूजा करो। वहां पर तो सबके सब ऋषि अलग 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 परामर्श दे रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। परिकृति महाराज ने देखा ये सबके सब एक ही सिद्धांत पर पहुंचेंगे, श्रोतव्य कृतितव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। अगर जीवन में कोई अभय बनना चाहते हैं क्या करने चाहिए, बोले 3 काम करने चाहिए, भगवान की स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान का ध्यान करो, ये 3 काम करने चाहिए। ये यद्यपि एक ही सिद्धांत को पर में ये लोग पहुंचेंगे, लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखाए, अरे मेरे पास में तो कुल 4-7 ही दिन है, अगर ये आपस में तर्क वितर्क करते हुए अगर समय को बिता दिया अब फिर मेरी क्या होगी। उन्होंने निष्कपट रूप में श्री ठाकुर जी के चरणों में समागत हो गए। बोले हे ठाकुर जी आप ही मुझको मातृ गर्भ में आप ही रखा किए थे, मेरे केवल एक ही इच्छा है आपकी कथा सुनते सुनते मेरे जीवन बीत जाए, आप कुछ व्यवस्था कर दो। जब इतना बोले भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय, जय श्री राम। कभी वो हंस रहे थे, कभी नाच रहे थे, कभी गा रहे थे, लेकिन ये बच्चे लोग सोच रहे थे ये कोई पागल है, उसको ऊपर में सबके सब धूल झोंक रहे थे, स्त्रियां तो देख देख करके बाबरी बन गई थी। क्या सुंदर है, अपूर्व सुंदर है, जैसे कामदेव जैसे, देखने में कृष्ण ही जैसे इनका रूप थी। इतने में वो आते आते जब ऋषि समाज के अंदर में प्रवेश किए, जितने वहां पर ऋषि लोग थे उनको देख करके पहचान गए, केवल यही बालक ही इनकी सही आंसर देगा। सबके सब ऋषि लोग वहां पर खड़े हो गए और श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर उनकी पिताजी बैठे हुए थे, सबको उन्होंने प्रणाम करके उन्होंने व्यास गति पर बैठ गए। फिर श्री परिकृति महाराज ने प्रश्न की झड़ी लगा दी, बोले अतः पृछा मे संसिद्धि जोगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य जत कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप कृपा करके बताइए
जगत में ऐसे क्या वस्तु है जिसको पाने पर जीव का सारी इच्छा पूरी हो जाए। अब देखना इसी जगत में आपको भले ही कितने मिल जाए कोई तृप्त नहीं होते हैं। इसलिए कहते राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु की भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिनु सब दुख मिटाए। इसलिए जगत में जो कुछ पाने पर भी कोई तृप्त नहीं होते हैं। इसलिए आप कृपा करके बताइए जगत में ऐसे क्या वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को ये लगे जीवन में सब कुछ मिल गया, किसी चीज मेरी कमी नहीं। और पुरुष मात्र का क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य, जो पूछा और नहीं पूछा आप कृपा करके सारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसको सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बेटा तुमने जो प्रश्न किया है बलियान सत प्रश्न, तुम्हारी प्रश्न बड़े सुंदर प्रश्न है, जो आत्मा में रमण करने वाले जो ऋषि लोग भी तुम्हारी प्रश्न को ये भी आदर करेंगे। तो उन्होंने उनका प्रश्न का उत्तर देते हैं, बोले हे श्री सुखदेव गोस्वामी कि जो मानव शरीर है ये बड़े किस्मत में मिलता है, ये साधारण भाग्य से ये मानव शरीर ठाकुर नहीं देते हैं, जिसको भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मानस तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मानव शरीर 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ठाकुर जी हमें एक बार ही ये जीवन देते हैं। बोले साधन धा मोक्ष कार्य द्वारा साधन का धाम है। मतलब है इसी शरीर के द्वारा ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अब 84 लाख जन्म में देखो कि ये मानव शरीर पाने से पहले में 80-80 लाख जन्म हमें भटकना पड़ा। इसलिए ये मनु संहिता में कहते हैं बोले जल जा नव लक्षाई स्थावरा। देखो ये मानव शरीर पाने से पहले हमें कितने जन्म भटकना पड़ा। बोले जल जा नवलक्षाणी, मतलब पानी को अंदर में हमें 9 लाख जन्म लेना पड़ता है। जितने तरह का मछली कीड़े मकोड़े पानी में होते हैं, कहते 9 लाख बार पानी में हमने जन्म लिया। बोले स्थावरा बोले लख विसती, ये मिट्टी के ऊपर में 20 लाख बार जन्म लेना पड़ा। बोले क्रिमया जितने कीड़े मकोड़े हैं, क्रिमया रुद्र संख्यकम, बोले 11 लाख बार तो कीड़े मकोड़े हमें बने। 63 लाख पशव, जितने ये जानवर हैं 30 लाख बार ये जानवर जन्म में हमें जाना पड़ा। और जो 20 लाख बार जितने तरह का चिड़िया है, बोले इसको बाद में ये एक बार केवल ये मानव शरीर हमें मिलता है। इसलिए कहते हैं ये मानव शरीर नहीं बल्कि ये साधन धाम, मतलब है केवल इसी जीवन में ही हम भगवान के नाम ले सकते हैं। और किसी इन जानवर को बोलो, चिड़िया को बोले राम राम कृष्ण कृष्ण बोले, कोई बोल सकते हैं? कोई बोल ही नहीं सकते हैं, केवल इंसान ही बोल सकता है। इसलिए ये मानव शरीर नहीं
कहते ये चंदन की ये बाग है। क्या है ये चंदन की बाग है? देखो हमारे गुरु जी एक कथा सुनाते थे, ध्यान देकर के सुना। बोले एक समय कोई एक लकड़हार था, रोज जंगल से लकड़ी को काट करके उसको जला करके कोयला लेकर के मार्केट में बेचता था। बड़ी कष्ट से 50-100 रुपया कमा करके पेट पालता था। एक दिन एक राजा उधर से गुजरते हुए जा रहा था। बोले बेटा क्या करता हो? बोले मैं यही काम करता हूँ। बोले देख बेटा, आज से सारे दुख तेरी खत्म हो जाएगी। तेरे को ये जो चंदन की जो ये बाग है, आज से तेरे को मैं दे दिया, सारे दुख खत्म हो जाएगा। एक साल बाद में राजा उधर से जा रहा था, फिर देखा वो व्यक्ति जैसे गरीब वैसे गरीब। बोले बेटा अभी तू क्या करते हो? बोले हमें जो ये चंदन की बाग दिए था ना, इसको वही पेड़ को काट करके जला करके कोयला दाम से मैं मार्केट में बेचता हूँ। बोले नालायक, तेरे को पता है मैंने तेरे को क्या दिया था? आप वृंदावन में जाओ, कहीं प्योर 1 किलो चंदन लकड़ी को खरीद करो, देखना 25-30 हजार रुपया में भी आपको 1 किलो चंदन की लकड़ी नहीं मिलेगी। 25-30 हजार रुपया भी तभी प्योर नहीं मिलेगी आपको। और एक वृक्ष में कितना किलो होता है बताओ तो? कितने हजार किलो एक पेड़ होगा। अगर एक पेड़ को बेचता ना, अरब खरब रुपया केवल एक चंदन के पेड़ की कीमत है, और उसको पूरा एक बाग दिया था। लेकिन उसने क्या किया? पूरा सारे चंदन के जंगल को काट करके जला करके कोयला दाम में बेच दिया। देखो ध्यान देकर सुना। देखो सत्संग में आते हो कुछ ले करके जाओ, ऐसे नहीं आ करके आए नाचे कूदे और खाली हाथ से यहाँ चले। 7 दिन खत्म, कथा खत्म, हम भी खत्म है। देखो ऐसे नहीं, ध्यान देकर हर चीज को समझो। जितना देर हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर यहाँ से कुछ लेकर अगर जाओगे ना, फिर तो समझना 7 दिन आकर के हमें कुछ मिला। ऐसे नहीं आकर गप्पे मार करके नाचे कूदे 7 दिन बाद चलेंगे बाहर गया। हाँ कुछ लेकर के जाओ। यहाँ पर भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं, ये मानव शरीर नहीं, ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ये जीवन मिला है। कदी ये साधन धाम, केवल इसी शरीर को द्वारा हम भगवान की भक्ति करके ये जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए निकल सकते हैं। अगर ये मानव शरीर पाकर के भजन नहीं किया, केवल खाए पिए पैसा कमाया, 2-4 बच्चों को जन्म दे करके पालन करके मर गए, कहते भैया इसे कौन सा जानवर नहीं बच्चे जो जन्म नहीं देता? सुअर को देखो, कितने कितने बच्चे जन्म देते हैं सुअर में? 1 दर्जन से तो कम नहीं जन्म देता है, 20-25 कभी कभी हो जाता है। और 1 महीना में बच्चों को होनहार करके छोड़ देता है। अगर जीवन में 2-4 बच्चे अगर हमने जन्म दे दिया, अगर लिखाया पढ़ाया अगर होनहार कर दिया, कौन सा बड़ी बड़ी काम होने की बताओ? खाने के लिए पहले माइनर स्कूल में जाओ, हाई स्कूल में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, फिर कोई डिग्री प्राप्त करो, फिर 10-10 घंटा काम करो, फिर कमाओ, फिर खाओ। बताओ ये गंधे कुत्ते सुअर कौन सा यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन सा कॉलेज में जाते हैं खाने के लिए? हम तो खाने के लिए झूठ बेईमानी उल्टा पुल्टा करके पैसा कमा करके पेट पालते हैं। वो कौन सा किसका नौकरी कर रहे हैं? वो तो खाना तो अपनी से अपनी आप तो मिल रहा है उनको। इसलिए कहते खाना पीना सोना ये तो गंधे कुत्ते सुअर भी कर रहे हैं। अगर है ये मानव शरीर पा करके कब यही काम करते हुए अगर जीवन को बिता दिया तो भगवान कहते हैं बोले भैया तुम केवल आया और गया, तुमसे कुछ नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं ये मानव शरीर नहीं, ये चंदन की बाग है, ये चंदन की बाग ये शरीर है। इसी जीवन में हम प्रभु की भक्ति करके ये 14 ब्रह्मांड और 84 लाख योनि से हम मुक्त होकर के भगवान के पास में जा सकते हैं। अगर ये जीवन पा करके भजन नहीं किया, दुनिया का सारे काम तुमने कर लिए, दुनिया का सारे कर्तव्य हमने कर लिया सारे, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया तो सुखदेव गोस्वामी कहते भैया तू जब आया और गया, तेरे सर कुछ नहीं है। इसको बाद में फिर वही 14 ब्रह्मांड 84 लाख जन्म में फिर भटकता रहो।
इसलिए यहाँ पर कहते ये जीवन पा करके ये मानव शरीर नहीं, ये चंदन की बात ठाकुर ने दिया है। अगर इसको जला करके कोयला बना कर चला गया तो खा पी करके बाह जीवन को दमा दिया फिर मर गया। इसलिए ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति हमें कर लेनी चाहिए। इसलिए एक बार हाथ उठाओ, सबके सब एक बार हाथ उठाओ, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कृतितव्यस्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। बोले हे परिणीत, अगर जीवन में अभय बनना चाहते हो, जीवन में शांति और सुख बनना चाहते हो, क्या करो? बोले स्मर्तव्य, बोले भगवान का स्मरण करो। बोले कृतितव्यस्य, बोले भगवान का कीर्तन करो और भगवान की स्मरण करो। ये तीनों काम करो और ये तीनों काम में सबसे जो श्रेष्ठ काम है भगवान की कीर्तन है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले काली जोग के बल नामा करो। ये मत समझो तुम्हारे पास में शादी भी नहीं है। एक खटवांग नाम का एक राजा था, इन्होंने तो एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट में उन्होंने भगवत प्राप्ति कर लिया। बोले एक समय देवता दैत्य में घमासान युद्ध में ये खटवांग राजा को देवताओं ने अपना सेनापति पद में नियुक्त किया, लेकिन इनकी सहारा लेकर के उन्होंने सारी देवताओं को उन्होंने परास्त, सारे दैत्यों को परास्त कर दिया। इतने में सारे देवता लोग प्रसन्न हो गए। बोले महाराज बोलो तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने बताया, देखो ध्यान देकर सुनने की कथा को, ये 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो गए। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले थोड़ी सी देखो तो मेरी परमायु कितना है। बोले तुम्हारे पास में परमायु कुल 48 मिनट एक मुहूर्त है। बोले मेरे परमायु को थोड़ी सी बढ़ा सकते हो? बोले नहीं। बोले परमायु बढ़ा नहीं सकते? बोले नहीं। फिर तुम्हारी वरदान लेकर मैं फिर क्या करूंगा? बोले मेरे को मुक्ति दे सकते हो? बोले नहीं। बोले मुक्ति भी नहीं दे सकते सबके सब मिलकर? बोले नहीं। बोले भैया ये काम को कौन कर सकता है? बोले केवल ये कृष्ण ही दे सकते हैं। इसलिए कृष्ण का एक नाम है मुकुंद, मतलब जो मुक्ति को जो प्रदान करने वाले हैं। बोले एक ही कृष्ण ऐसे के ठाकुर है जो हमें मुक्ति भी दे सकते हैं और जो हमें परमायु को बढ़ा सकते हैं। बोले एक काम करो, मेरे को ऐसे एक विमान दो, मैं जल्दी से जल्दी ये स्वर्ग लोक से मैं मरते जगत में जाऊं। बोले क्यों? स्वर्ग से, स्वर्ग में क्यों भजन नहीं कर सकते? बोले देखो कहते स्वर्ग में भी भगवान की भजन नहीं होती।
ये स्वर्ग में भी ये भगवान की भक्ति नहीं हो सकते हैं, कहते देवता रूप में जन्म लेने पर भी भजन तो केवल इसी मरते जगत में प्रभु की भक्ति हो सकती है। इसलिए उन्होंने स्वर्ग से बड़े तीव्र गति से उन्होंने इसी मरते जगत में आए और सारे इंद्रियों को उन्होंने एकाग्रता करके उन्होंने प्रभु की चरण में लगाए और लगा करके संसार से मुक्त हो गए। बोले परीक्षित, केवल उन्होंने एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिए और तेरे पास में कितना दिन है? 7 दिन। कोई चिंता मत करो, यहाँ पर बैठो और ये भागवत कथा सुनो। ये भागवत कथा सुनते सुनते तुमको मुक्ति मिली जाएगा। देखो हमारे गुरुजी एक सुंदर कथा सुनाया करते थे। गुरुजी कहते थे केवल ये परीक्षित महाराज के पास में 7 दिन था ऐसे नहीं, हमारे पास में 7 ही दिन है। बल्कि परीक्षित महाराज को ये पता था 7 दिन पहले मैं कभी मरूंगा नहीं, लेकिन हम कोई भी नहीं बता सकते हैं जो श्वास हमने ली है हमने दूसरी बार श्वास छोड़ सकते हैं, कोई बता सकता है दूसरी श्वास भी ले सकते हैं? हमारे पास में कभी कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमारे गुरु जी एक सुंदर कथा सुनाते थे, आप लोग ध्यान से सुना, सारी कथा को सुनना और घर में जाकर सबको सुनाना, ठीक है? और मैं कल पूछूंगा इसको, आप लोग मेरे को बोलोगे। मतलब एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार पर आए, वहां पर कोई दरबार था, बोले अंदर में महाराज है, बोले है, बोले उनको बताओ। कोई एक संत कोई जरूरी काम लेकर के आए, 1 मिनट आपसे बात करना चाहते। जब राजा के पास में गए, बोले संत क्यों आए हो, जरूर कुछ भिक्षा लेने के लिए आए हैं। तो उन्होंने 101 रुपया निकाल कर दे दिया, बोले दो इसको लेकर के संत को दे दो। संत ने कहा देखो मैंने ये पैसा लेने नहीं आया, कोई जरूरी काम को लेकर के आया। राजा को बोलो तो बोले 1 मिनट मिलना चाहता हूँ। राजा सोचे शायद 100 रुपया में बाबा का मन नहीं भरा, तो उन्होंने 501 रुपया निकाल कर दे दिया। वो संत तभी भी नहीं लिए, बोले राजा को बोलो केवल 1 मिनट कोई जरूरी काम है। राजा ने कहा संत को बोल दो, राजा राज कार्य में बहुत बिजी है, इनके पास में कोई समय नहीं संतों से मिलने के लिए। इतने में संत बड़े दुखी होकर के वो रानी को पास में जाते हैं। वहां पर कोई दासी थी, वो दासी को बोले अंदर में क्या महारानी है? बोले है महारानी। बोले उनको थोड़ी सी प्रार्थना करो, कोई एक संत केवल 1 मिनट बात करना चाहते, कोई जरूरी काम है। रानी सुनते ही तो बड़े खुश हो गए, बोले संत आए, जाओ उनको स्वागत करके अंदर में बुलाए। संतों को बैठा करके प्रणाम की, बोले बाबा आपके हम क्या सेवा करें? बोले महारानी मैं तो कोई विशेष काम को लेकर के राजा से 1 मिनट मिलने आया था, लेकिन राजा हमसे मिले ही नहीं। बोले आप मुझे ही बता दो, मैं ही सेवा कर दूंगी। बोले महारानी आप सावधान से सुने, मैं अपना भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से मैंने देखा है ये जो राजा है ना, ये 7 दिनों में ये मरने वाला है। रानी सुनते ही तो घबरा गई, क्योंकि अभी अभी नई शादी हुई घर में राजरानी बन करके, अभी अभी उसने आई, अगर कोई बोल दे 7 दिन में मर जाएंगे राजा फिर क्या होगा। वो इतना घबरा गई, इतने घबरा गई। बोले बाबा ये क्या सच बात है? बोले ध्रुव सत्य है, मैं अपना दिव्य दृष्टि से देखा। महारानी आप इतनी सी बात केवल राजा को बोल देना। उन्होंने बोल करके जब उन्होंने चले गए, रानी तो इतने घबरा गई, इतने रानी घबरा गई। उसने एक दासी को बोले अभी अभी तुम राजा को पास में जाओ और बोलो अभी अभी रानी कोई जरूरी काम के लिए अभी अभी बुला रही है। देखो यहाँ पर एक संत आकर के गिड़गिड़ाते हुए चले गए, लेकिन राजा के पास में 1 मिनट समय नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने सुना रानी बुला रही है कोई जरूरी काम पर, राजा तो सारे काम धाम को ही छोड़ करके वहीं से वो भागे वहां से। जब राजा आए, रानी बोले बोले महाराज आपके पास में कोई संत आए थे? बोले हाँ। बोले आप उनसे मिले हो? बोले मैं राजकार्य में बड़ा बिजी था। बोले महाराज घर में जब कोई साधु आते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं
जब मैं किसी जीव को ऊपर में विशेष कृपा करता हूँ, मैं किसी साधु रूप में आता हूँ उसको पास में। कोई साधु आए तो आपको पास में कोई समय नहीं था, और मैंने बुलाया तो आप भागते भागते आ गए। बोले रानी बताओ ना कौन सा जरूरी काम पड़ गई तुम्हारी। बोले महाराज ये तो बड़ी जरूरी काम था, वो संत बोल रहे थे, वो अपना दिव्य दृष्टि से देखा है आप 7 दिनों में मरने वाले हो। राजा जब ये बात को सुने 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ, अभी अभी राज सिंहासन पर बैठे, इतने घबरा गए। बोले रानी ये कि सच है? बोले ये भी मैंने पूछा है। बोले ये ध्रुव सत्य है। राजा बोले वो संत गए कहाँ? बोले अभी अभी चले गए घर से। तो उन्होंने कुछ लोगों को भेज करके बोले बाबा को पालकी में बैठा करके घर में ले आओ। जब उनको घर में पालकी में बैठा करके लाए, इतने में राजा उनको चरण में गिर पड़े। बोले महाराज आप तो विशेष कोई जरूरी काम को लेकर के आए थे, मैं आपसे मिला ही नहीं, आपने बताया मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ। बोले हाँ। बोले ये क्या सत्य है? बोले ध्रुव सत्य है, 7 दिनों में ही आप मरने वाले हो। राजा तो घबराए। बोले महाराज आप घबराओ मत, आपने बहुत कुछ दान पुण्य किए हैं, इसलिए घबराने का कोई जरूरत नहीं, आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज वहां पर सारे सुख सुविधा आपको मिलेगी, लेकिन एक चीज की कमी वहां पर है। बोले किस चीज की? बोले स्वर्ग में बहुत बड़े बड़े मच्छर रहते हैं, वो मच्छर जब आप सोओगे ये मच्छर आपको काटते रहेंगे, आपको सोने नहीं देंगे। बोले फिर? बोले फिर कोई चिंता नहीं, वहां मच्छरदान का व्यवस्था है, लेकिन एक चीज की कमी है, वो मच्छरदान का कोने में एक छोटा सा छेद है, उधर से मच्छर घुसने का चांस है। बोले फिर? बोले फिर क्या? आप जब ये शरीर छोड़ोगे ना, साथ में एक सुई एक धागा साथ में ले जाना, और जो कोने में एक छिद्र उसको सिलाई कर दोगे, बस चैन की नींद आएगी। बोले महाराज आप क्या बता रहे हो, मरते समय एक सुई धागा ले जाने के लिए? बोले हाँ, एक सुई धागा साथ में ले जाना। बोले कैसे ले जाएगा? जब तो यहाँ मरेंगे हम तो यहीं पर जला दिया जाएगा, फिर एक सुई धागा कैसे ले जाएगा? बोले महाराज मैं आपको इतनी सी बात आपको बोलना चाह रहा था, आप जिस राज कार्य में इतने बिजी हो, यहाँ से जब आप जाओगे एक सुई धागा भी आपको साथ में जाने वाला नहीं, जितने कमाया धमाया यहीं पर छोड़ करके जाओगे। पत्नी रो रो करके दरवाजा तक चलेगी, उसको आगे पत्नी जाने वाले नहीं। परिवार तेरे साथ में शमशान तक चलेंगे, उसको आगे और कोई जाने वाले नहीं। तब वो संत ने कहा महाराज ये बताओ, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जब उसको 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? हम लोग बताओ तो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोलो सबके साथ जोर से बोलो, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गद्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जीवन में तुमने जितने राम का नाम लिए हो, जितने तुम गोपाल जी का नाम लिए हो, तेरे साथ में वही जा रहा है, और तुमने जो कुछ किया सब झूठे में तुमने बिताया, यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रहा, यही कहते हैं ना। बोले हाँ। बोले महाराज ये बताओ, फिर ये राम का नाम गोपाल का नाम कितने समय आप लेते हो, ये ठाकुर जी के नाम कितने लेते हो? जो झूठे हैं उसके लिए तो पूरा जीवन दे रहे हो, जो सच है फिर आप कितने वो सच के प्रति आप कितने कर्तव्य निभाते हो? बोले महाराज आप कान खोल कर सुनो, देखो आप लोग भी अच्छे तरह से समझो, आप ध्यान से ये चीज को समझो। संत ने कहा मैंने आपको ये नहीं बताया था 7 दिन को बाद में मर जाओगे, मैंने ये नहीं बताया था, मैंने क्या बताया था? 7 दिनों में ही मरोगे, आप लोग ये चीज को समझो। उन्होंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाओगे, क्या बताया था? 7 दिनों में मरोगे, जब हम ये शरीर को छोड़ेंगे 7 दिन नहीं अंदर में एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ना है। शनिवार हो, इतवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो,
बुधवार हो, एक ना एक दिन ये शरीर काम छोड़ेगी। लेकिन जब ये शरीर छूटेगा हमारे साथ में एक सुई धागा भी हमारे साथ में नहीं जाएगा। इसलिए महाराज आप कोई चिंता मत करो, 7 दिन बाद में आप नहीं मरने वाले हो, ये 7 दिन के अंदर में एक ना एक दिन तो मरने वाले हो। लेकिन साथ में क्या जाएगा, जितने भगवान की भक्ति किए वही जाएगा। इतना जब समझा है ना, राजा तो आधा ही मर गया था, वो सोच रहा था 7 दिन बाद में मर जाऊंगा, फिर शरीर में प्राण आ गया। इतने में मेरे तरफ में देखो, सबके सब ध्यान देकर देखो, वो संतन राजा को ऐसे के माला और झोली पकड़वाई, बोले महाराज यही धन ही तुम्हारे साथ में जाने वाले, एक सुई धागा भी यहां से आप ले नहीं सकते हो। फिर उन्होंने एक माला और एक झोली पकड़वाया, बोले सबरे नहा धो करके ठाकुर के सामने बैठो और कुछ भगवान की माला जप करो। मैंने पहले बताया था ना, चैतन्य महाप्रभु एक दिन जब महाप्रभु को भक्त लोगों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु हमारा घर में भोजन है, महाप्रभु बोले देखो सबके घर में मैं खाना नहीं खाता हूँ। बोले किसको घर में खाते हो, बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले का बात है, जो लखपति मतलब 1 लाख स्वर्ण मोहर जिसको घर में होगा उसको घर में ही खाना खाएंगे। सारे भक्त लोग दुखी दिन हो गए, बोले प्रभु आप लाख की बात करते हो, हमारा घर में 100 रुपया तक भी नहीं, 100 रुपया मतलब 1 स्वर्ण मुद्रा, क्या हमारे घर में आप भोजन ही नहीं करोगे। फिर भगवान बताए, बेटा जानते हो असली लखपति कौन है, बोले कौन है, बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहते हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊ गली गली। जिन जिनियों ने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कंगाल हुए हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम तो बेटा बेटियों को बॉलीवुड में हम तो हीरो हीरोइन बनाएंगे, हम क्या कहते हैं भक्त नहीं बनाएंगे, हम तो बेटा बेटियों को हीरो हीरोइन बनाएंगे, कहा बॉलीवुड में हम सब हीरो हीरोइन बनाएंगे। आप लोग बताओ 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे अभी उनका नाम कोई जगत में कोई ले रहा है? केवल 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे अभी दुनिया में उनका नाम जगत में कोई ले रहे हैं? लेकिन आप मीरा जी का नाम सुनो, हनुमान जी का नाम देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम देखो, ध्रुव प्रह्लाद जी का नाम देखो, वाल्मीकि का नाम देखो, ये कब आए थे? करोड़ों साल पहले वो आए थे, लेकिन अभी भी इनका नाम जगत में पूजा हो रहा है। इसलिए मीरा कहती है, जिन जिनियों ने ये मोती लूटे उसो माला माल हुए। बोले कौन कौन लूटे हैं? बोले तुलसी जी, मीरा और नरसीता हैं। देखो इनका नाम जगत में अमर हो गया। इसलिए बढ़िया बन तो क्या बनो, भगवान की भक्त बनो, भगवान की भक्त बनो, उसमें लाभ लाभ है। सबके सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हाँ देखो आप लोग एक बात बोलता हूँ, जो सही सही कथा सुनने चाहते हैं ना, आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा दो, मैं पहले बोल दिया था, आप जिसको जानते हो कभी भी उसको पास में मत बैठा करो, क्योंकि बिना कारण से बात करते रहो। घर में तो जिंदगी भर बात करते हैं दुनियादारी बात, अगर सत्संग में आकर के फिर वही दुनियादारी बात करते हो। मैंने आपको पहले बताया था जो कथा नहीं ये कल्पवृक्ष है, ये भागवत से आप जो कुछ मांगोगे अगर सही सही कथा सुन करके 7 दिन में आपको सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर दुनिया की बात यहाँ पर अगर करोगे फिर यही गंदी चीज संसार में जाएगी, संसार में तरह तरह का दुख कष्ट दुनिया में भोगना पड़ेगा, अगर सत्संग में भी आकर के यहाँ बात भी होती। इसलिए आप जिसको जानते हो एकदम अलग होकर बैठ जाओ, विशेष करके सामने जो देवी की माता है ना, आप अलग होकर बैठ जाओ, पीछे चले जाओ। गुरु वृंदावन के हरि नाम की जय, जय जय श्री राधे, हुकम हम कियो ना भजन बा कैसे बीते की।
Yeah.
Yeah.
हरि नाम की जय। जय श्री राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब भगवान ब्रह्मा जी को आदेश दिए ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ। ब्रह्मा जी अपना परछाई से श्री कर्दम ऋषि को उन्होंने प्रकट किया था। कर्दम ऋषि ने कठोर तपस्या की। भगवान संतुष्ट होकर के दर्शन देते हैं। बोले बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु आपके चरण में हमें अचला भक्ति प्रदान करो। बोले तथास्तु। बोले और कुछ चाहिए? बोले प्रभु जी मेरे मन में तो ये संसार की कोई इच्छा है नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है ये सृष्टि का क्रम बढ़े, इसलिए आपको इच्छा को पूरी करने के लिए मैं शादी करूंगा। लेकिन प्रभु जी मेरे दो शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले पहला शर्त है अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे ना फिर मैं शादी करूंगा। आप बताओ बेटे बनोगे मेरे? बोले ठीक है मैं तेरे बेटा बनूंगा। बोले दूसरा शर्त है बोले तब तक इसी संसार में रहूंगा जब तक मेरे कोई संतान नहीं होगा, फिर भजन करने के लिए चला जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं। तब श्री माता देहूति को साथ में ये कर्दम ऋषि की शादी हो गई। लेकिन उसको बाद में ऋषि फिर भजन में बैठ गए। 10,000 तक भजन किए। माता देहूति अपना पति की सेवा करते 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 वो इतनी सुंदर थी आकृति देवती प्रसूति। स्वर्ग से देवता लोग जब इनकी सुंदरता को देखे वो भी मुग्ध हो जाते थे। लेकिन पति की सेवा करते 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 एकदम बुरी बन गई। जब कर्दम ऋषि की आंख खुली देखा सामने एक बुढ़िया बैठी हुई। बोले तू कौन हो? बोले आप क्या भूल गए हो? आपने कभी शादी की थी? बोलो तुम वही देहूति? बोले हाँ। बोले बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले बताओ भगवान से आपने क्या प्रार्थना की थी? बोले थे ना आप बेटे बन करके आओगे मैं शादी करूंगा। बोले हाँ। बोले भगवान तो बेटे बनेंगे? बोले जाओ ये बिंदु सरोवर में तुम स्नान करो। जब उन्होंने श्री बिंदु सरोवर में स्नान करके जब निकली वो इतनी सुंदरी बन करके निकली। 1,000 दास दासियां उनके साथ साथ में 1,000 दास दासियां उनके साथ में प्रकट हुई। इतने सुंदरी बन करके उन्होंने प्रकट हुई। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधार हरी हरी बोल।
माता देवहूति को बोले तुम बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करके जब वो निकली अद्भुत सुंदरी बन करके, देखो पहले का जो साइंस है अभी का साइंस बहुत एडवांस था। इन्होंने एक विमान प्रकट की जिसका नाम था कामक विमान। कामक विमान का मतलब है कोई डीजल और पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं, जो अपने आप आकाश में उड़ते रहे। और वो विमान कितने क्रोस तक, वो विमान थी जिसमें सुंदर राजमहल बने हुए थे, सुंदर सरोवर है, सुंदर राजहंस जहाँ क्रीड़ा करते हैं। और जिस विमान में बैठने पर आपको भूख प्यास नहीं लगेगी और कभी आप बूढ़ा बूढ़ी भी कभी नहीं बनोगे, इतने अद्भुत विमान है। अभी उसको ऊपर बैठ करके कर्दम ऋषि और माता देहूति भ्रमण करते रहे। अपूर्व सुंदर उनको 9 बेटी जन्म हुई। कर्दम ऋषि ने बोले अभी तो संतुष्ट हो गए ना? बोले नहीं, भगवान से आपने वर मांगे था ना, आप बेटे बन करके आओगे, अभी तो ठाकुर बेटे ही नहीं बने। तो उन्होंने पति की सेवा की, सेवा की तो भगवत इच्छा से इनकी एक संतान हुई जिसका नाम था श्री कर्दम मुनि। बोले श्री कर्दम मुनि की, बोले श्री कपिल मुनि की। जब श्री कपिल मुनि जन्म हुए, अभी घर में 9 बेटी है। पिताजी का पहला कर्तव्य है अगर बेटी आए ना पहले उनको शादी करवा। लेकिन 9 बेटी, आप लोग बेटी को शादी करवाते होंगे, एक बेटी को शादी करो तो घर खाली हो जाते हैं। लेकिन जिनको पास में 9 बेटी, इतने बेटियों को कैसे शादी करेंगे? यहाँ शिक्षा देते हैं अगर आपके हृदय में निष्कपट रूप में प्रभु की भक्ति करने की इच्छा हो ना, ठाकुर जी सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं, किसी चीज की कमी नहीं। इसलिए भगवान सावरिया सेठ बन करके नरसिंह भगत के बेटी को स्वयं ठाकुर जी शादी करवाने जाते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी अपना 9 बेटे को लेकर के श्री कर्दम ऋषि के पास में आए। इनको पास में 9 बेटे और इनको पास में 9 बेटी। देखा भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। बोले एक साथ में 9 बेटियों को, उन्होंने 9 बेटियों को साथ में शादी, घर एकदम खाली हो गई। लेकिन उन्होंने भगवान से वर मांगे थे तब तक रहूंगा जब तक घर में कोई संतान नहीं हो जाए। अभी कर्दम ऋषि अभी भगवान की भक्ति के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न आता है। बोले भैया भक्ति करने क्यों जा रहे हो? बोले भगवान को पाने के लिए। बोले भगवान तेरे घर में बैठे, भगवान स्वयं कपिल मुनि रूप में तुम्हारे घर में है, फिर कौन सा भगवान को फिर तुम ढूंढने के लिए जा रहे हो? हाँ, यहाँ पर एक बड़ा सुंदर बात बताए। बोले जब तक कोई भक्ति नहीं करते हैं, साधन नहीं करोगे, तब तक भगवान हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए भक्ति के 8 स्टेजेस बताए, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। अष्टम स्टेज को बताया ये प्रेम है, और ये प्रेम में ही भगवत प्राप्ति होता है, बगैर प्रेम के भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए मीरा कहती है ना, बिना प्रेम के नहीं मिले नंदलाला। लेकिन प्रेम होनी चाहिए ना। बोले प्रेम कहाँ से आएगा? जब तक तुम साधन नहीं करोगे। अगर हृदय में प्रेम नहीं, अगर ठाकुर जी हमें डायरेक्ट दर्शन भी दे दे, हमारी कोई लाभ होने वाले नहीं। जैसे रावण ने राम को दर्शन किया, किया है, लेकिन रावण ने क्या किया? भगवान को साथ में युद्ध किया है, भगवान को मारने के लिए कोशिश किया। मेघनाद ने राम लक्ष्मण को देखा कि नहीं? देखा है। लेकिन ठाकुर जी को नाग फास बंधन में बांध दिया, लक्ष्मण को ऊपर में शक्ति शैल भी प्रहार की। शिशुपाल ने कृष्ण को दर्शन किया कि नहीं? किया है। सामने ठाकुर साक्षात खड़े हुए, 101 गाली ठाकुर जी को उसने निकाल दिया। ये कंस ने कृष्ण को दर्शन किया कि नहीं? किया है। लेकिन जिंदगी भर केवल कृष्ण को मारने के लिए कोशिश की। प्रश्न होता है, फिर इन्होंने तो साक्षात राम कृष्ण को दर्शन की, इनके हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? बोले कारण बताए, जब तक हम साधन नहीं करेंगे और साधन को द्वारा जब तक हमारे हृदय में ये प्रेम प्रकट नहीं होगा, अगर हमें भगवान दर्शन भी दे दे इसमें लाभ होने वाला नहीं। इसलिए स्वयं घर में ठाकुर जी है, स्वयं कपिल मुनि भगवान, लेकिन वो जा रहे हैं जंगल में ठाकुर को भजन करने के लिए जा रहे हैं। अभी भजन करने के लिए चले गए,
लेकिन माँ को पता है मेरे जो बेटा है ये साधारण नहीं, ये भगवान है। एक दिन माँ स्वयं आ करके अपना बेटे को सामने हाथ जोड़ करके प्रश्न करती हैं। देखो यहाँ पर दूसरी शिक्षा देते हैं, ये ज्ञान ऐसे एक वस्तु है, अगर बेटे को अंदर में अगर ज्ञान होना, माँ आकर उसको प्रश्न करती है। ये ज्ञान जहां पर उदय हो, ये ज्ञान सबसे बड़ा उसे बना देती है, सबसे बड़ा बना देती है। इसलिए माँ स्वयं बेटे को सामने हाथ जोड़ करके प्रश्न करती है, बोले हे बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाति में हूं, मन बड़ा चंचल है, ये भटकते हुए मन को हम कैसे भगवान के भजन में लगाए। ये माँ स्वयं अज्ञानी बन करके ये प्रश्न करती है। भगवान का माँ साधारण व्यक्ति नहीं बन सकते, वो नित्य परिकर है भगवान की, लेकिन वो अज्ञानी बन करके हम जैसे जीवों को ज्ञान प्रदान करने के लिए स्वयं माँ प्रश्न करती है, फिर भगवान इसको उत्तर देते हैं। बोले माँ, बोले मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष। बोले हे माँ, हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, लेकिन इसका राजा कौन है? बोले मन। ये मन ने बताया, चलो भैया भागवत कथा हो रही है, चलो कथा सुन करके आए, देखना सारे इंद्रियां आकर के नहीं बैठ गए। अगर ये मन बोलता रही क्या जरूरत भागवत कथा में, चलो ना सिनेमा देखने जाएंगे, नहीं तो टीवी में देख लो, नहीं तो इधर उधर के गप्पे मार लो, फिर ये इंद्रियां आती? वो नहीं आती है। ये मन ने बताया चलो फिर ये आया। इसलिए हमारे जो गुरु जी के जो गुरु जी थे, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में ये सनातन धर्म को प्रचार किया, श्रील प्रभुपाद जी, वो कहते थे अपना सवेरे उठो और अपना जुत्ती को लो और ये मन को 100 बार मारो, क्योंकि जो मन है ना, आप देखना गंदी चीजों में तो साधारण रूप में चला जाएगा, लेकिन जब उसको भगवान की भक्ति की बात बताओ ना, वो 1000 बहानाबाजी करता है, अरे समय नहीं मिला, वहां चले गए, लेकिन सिनेमा देखने के लिए शादी में पहले तैयारी बैठ गई। ये मन सहज में भजन में लगना नहीं चाहता, ये मन इतने दुष्ट है, इसलिए कहते ना ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इसलिए भगवान कहते हैं माँ यही मन ही ये मुक्ति का कारण है और यही मन ही ये बंधन का कारण है। जब ये मन को संतों का संग में लगा दो, कभी ये मन फिर मुक्ति का कारण बन जाते हैं। जब ये मन को फिर विषय में लगा दो, फिर ये मन बंधन का कारण बन जाते हैं। बोले इसलिए हे माँ ये मन को संतों का संग में लगा दो, हाँ इनकी मन को संतों का साथ में लगा दो। फिर माँ प्रश्न करती है, बोले बेटा तुमने तो बता दिया संतों का संग करो, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, लेकिन इस संतों का कुछ तो गुण भी होता होगा ना, कुछ उनका गुण बता दो जैसे पता चले ये संतन असंत है। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, बोले तितिक सब कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव संता साधु भी साधु भूषण। बोले माँ संतों का पहला लक्षण ही सहन करना, इसलिए एक कहावत है जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। कहीं भी संतों का जीवन में हो, गृहस्थ में भी हो, अगर जो सहन नहीं कर सकता है, जो सहे वो सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। इसलिए भक्ति जगत में भी सहन की बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग ने एक संत का नाम सुने होंगे जिनका नाम था तुकाराम। इनकी कभी भी इनके अंदर में क्रोध कभी नहीं आती थी, कुछ भी कर लो कभी क्रोध नहीं आती है। एक व्यक्ति ने देखा आज तो उनको क्रोध दिला कर छोड़ना। ये संत रोज जाते थे गंगा में स्नान करने के लिए, उसने क्या किया, एक टोकरी कचड़ा लेकर के खड़ा रहा, बोले आज आए तो वो संतों के ऊपर में सीधा डाल दूंगा। वो संत जब गंगा में स्नान करके आए, उनको सर पर सीधा उन्होंने डाल दिया, लेकिन वो संत कुछ भी नहीं बोले और फिर गंगा में गए नहा करके आए। फिर जब फिर आए फिर उन्होंने लेकर डाल दिया, उसने फिर गए गंगा में नहा करके आए,
उन्होंने 100 बार उनके सर पर जब डाल दिए, जब इनकी अब मन में किसी तरह का कोई क्रोध नहीं आई, फिर उनके चरण में गिर पड़े, बोले बाबा आपका चरण में हमने अपराध कर डाले हैं, अपराध कर डाले हैं। बोले नहीं, तेरे जैसे मित्र तो दुनिया में मेरे कोई नहीं होगा। बोले कैसे? बोले देख बेटा, मैं गंगा में रोज एक बार स्नान करता था, लेकिन तेरी वजह से आज गंगा में कितना बार स्नान कर लिया? 100 बार स्नान हो गए, 100 बार गंगा में मेरी स्नान हो गई। इसलिए भक्ति जगत में जो सहन शक्ति एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कहते हैं माँ संतों का पहला जो गुण है तितिक सब, दूसरा जो गुण है बोले कारुणिक, संत बड़ी दयालु होते हैं, बड़ी कृपालु होते हैं। इसलिए बोले संत हृदय न बनीता समान, 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 कहा कभी पर कहीं न जाया, कहा कभी पर कहीं न जाया, संत हृदय न बनीता समान, संत हृदय न बनीता समान। गोस्वामी जी कहते हैं मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। बोले क्यों? बोले मक्खन कब पिघलता है? जब गर्मी मिले। लेकिन संतों का हृदय तो दूसरों को दुख देख करके इनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। इसलिए भगवान कहते संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। वो घर घर में जा जा करके भगवत कथा को, भगवत नाम को प्रचार करते हैं। इसलिए श्री गर्गाचार्य जब श्री नंद बाबा जी को घर में आए, देखो नंद बाबा क्या कहते हैं, बोले महत विचरणा मनरीणाम गृहिणाम दीन चेतसा। बोले ये संत दरवाजा दरवाजा पर क्यों जाते हैं? बोले कारण है संसारी व्यक्तियों का कल्याण करने के लिए। हम संसार में रमे हुए हैं, हमें भगवत ज्ञान को प्रदान करके ठाकुर जी को पास में ले जाने के लिए संत लोग आते हैं। अपना कोई काम नहीं, तभी घर घर में जा करके भगवत नाम को ये प्रचार करते हैं। इसलिए उनका दूसरा गुण है कारुणिक, बोले सुहृद सर्वदैनाम। कहते जो संत हैं, कहते वसुधैव कुटुम्बकम्, संपूर्ण पृथ्वी का हर जीव को समझते हैं, हम सबके सब एक परिवार हैं, हमारे एक पिता भगवान हैं, हम सबके सब उनके बच्चे हैं सबके सब। इसलिए माँ ऐसे संतों का उनको 25 लक्षण ऐसे होता है, लेकिन एक विशेष लक्षण है। बोले क्या उनका एक विशेष लक्षण है? बोले मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्बंती जदृढ़। हाँ देखो ये चीज को अच्छे तरह से हम लोग समझ लो, ये ठाकुर जी स्वयं संतों का लक्षण कह रहे हैं। कहते मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्बंती जदृढ़, उनका एक विशेष लक्षण है केवल मेरे को ही अपना मन प्राण चित्त केवल मुझे ही दे देते हैं। जैसे मीरा का नाम सुने होंगे, मीरा क्या कहती हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा। गोपियां क्या कहती हैं, जब उद्धव जी इनको पास में गए और इनकी ज्ञान की बात बताई, ये गोपियां क्या कहती हैं, बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध इस। बोले उद्धव तुम तो कह रहे हो ध्यान करो, ध्यान तो मन से होता है, लेकिन मन से 10-20 तो है नहीं, मन तो एक है, लेकिन ये मन तो श्याम सुंदर को साथ में गया है। कृष्ण जब से ब्रज छोड़ करके मथुरा गए, ये मन उनकी साथ में चला गया। श्री हनुमत लाल क्या कहते हैं, बोले श्रीनाथे जानकी नाथे अभिन्ना परमात्म ने, तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। जब बोले कृष्ण को प्रणाम करो, बोले देखो
कृष्ण राम में कोई फर्क नहीं, वो एक ही है, लेकिन एक ही होने पर भी कि तथापि मम सर्वस्व राम कमल वचन, लेकिन मेरे जो सर्वस्व है ना वो प्रभु राम है। इसलिए तुलसीदास जी का बोले जो प्रणाम करे, बोले नहीं तभी प्रणाम करूंगा जो धनुष धारण करो, नहीं तो मैं प्रणाम नहीं करता। ये मुरली वाला को मैं प्रणाम नहीं करता। इन लोगों ने एक तो निष्ठा की उन्होंने सिखा दी, सबको सम्मान करो, किसी को असम्मान मत करो, लेकिन जो हृदय में जो देवता रूप में बैठा हो एक हो, एक को भक्ति होनी चाहिए। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते, गीता में देखो कृष्ण क्या कहते हैं, बोले सर्प धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बोले अर्जुन तू तो सर्व धर्म को छोड़ कर मेरे शरण में आ जा। बोले पाप नहीं लगेगा? बोले नहीं, अहम त्वाम सर्व पापे विमुक्षो सति। मां सोचो, कोई चिंता मत करो। इसलिए जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे एक पतिव्रता नारी, भगवान नारायण खुद कहते भक्ति एक पतिव्रता नारी के धर्म है। कहते पतिव्रता स्त्री किसको कहते हैं, जिसने केवल पति को ही अपना सर्वस्व दे दिया, मन प्राण चित्त केवल पति को ही देती है, दूसरों को नहीं। लेकिन शादी होने पर वहां देवर भी होते हैं, जेठ भी होता है, ननद भी होती है, सबको सम्मान देती है, लेकिन हृदय में जिसको बैठा करके रखती है, हृदय में जिसको बैठा है पति को। अगर कभी संसार में इधर उधर हो ना, किसको लेकर अलग हो जाती है, अपना पति को लेकर अलग हो जाती है। तो उसी तरह भक्ति एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ से फिर ठाकुर जी नहीं मिलते हैं। सब देवा देवता आदर कर, भगवान की सब संतान है, लेकिन हृदय में एक देवता को बैठाओ, हाँ तभी उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पर भगवान ने अपना मैया को कहते, बोले माँ गर्भ में जो बच्चे को 7 महीना हो जाए उसको ज्ञान आ जाता है, सारे पूर्व जन्म की बात उसको याद आने लगती है, पूर्व पूर्व जन्म में हमने कैसे कैसे क्या क्या कर्म किया है। कहते माँ गर्भ में आना और नरक में आना बराबर है, क्योंकि पेट के अंदर में क्या है, टाटी पेशाब खून पी और कुछ है ही नहीं पेट में। इसलिए फिर पेट में गर्मी है, अगर आज रसगुल्ला खाओ ना कल बिष्टा बन करके निकल आती, इतनी गर्मी पेट के अंदर में। गर्भ में जब बच्चे रहते हैं फिर माताओं को चटपटी चीज भी अच्छी लगती है, वो चीज भी गर्मी खट्टा नमकीन वो भी खाती है, वो भी बच्चे को बड़ा कष्ट पहुंचाता है। उसी समय में बच्चा भगवान को पुकारता, बोले प्रभु मेरे को ये नरक से निकाल दो। भगवान कहते बेटा अभी बताओ क्या करोगे। बोले ठाकुर जी मैं समझ गया हूँ ये संसार में कोई किसका नहीं, क्योंकि सबके सबके सुख का समय में थे, लेकिन ये दुख में कहां, ये मेरी पत्नी कहां, मेरे वो सब बच्चे सब कहां है, सबके सब वो सबके सब तो सुख का समय में साथ दे रहे थे, अभी तो कोई है ही नहीं। इसलिए संसार मतलब का संसार है, केवल एक बार ये गर्भ से मेरे को एक बार केवल निकाल दो, उठते बैठते सोते केवल तेरा ही नाम जप करूंगा। भगवान प्रश्न करते हैं फिर भूलोगे नहीं बेटा? बोले प्रभु एकदम तेरे को नहीं भूलूंगा। ठाकुर जी बोले देखो अगर भूल जाओगे ना बीच बीच में वार्निंग भी दूंगा। बोले प्रभु क्या वार्निंग दोगे? बोले जब एक बाल पक जाए तो मेरे फर्स्ट वार्निंग। आप देखना नजर लगा कर देखना, जब बाल पकती है ना यही से बाल पकना शुरू करता है। अब नजर लगा कर देखना, पहला बाल कान से पकता है, इसलिए कान में पहला बेल दे देते हैं। बोले सावधान, तो भगवान से कसम खाकर गया था भजन करोगे, कितने माला जप करते हो, कितना समय टीवी देख रहे हो और कितने समय इधर उधर की दुनियादारी की चर्चा करते हो, ये पहला बाल पकता है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, उसका वार्निंग को नहीं सुनते, उसको उखाड़ देते हैं। बोले इतने जल्दी हमें बूढ़ा बूढ़ी बनाते हो, फिर दूसरा बाल भी पक गया उसको भी उखाड़ देते हैं, तीसरा बाल पक गया उसको भी उखाड़ देते हैं, जब खिचड़ी बन जाए फिर कलर लाकर लगा देते हैं। कहते हम थोड़ी इतने जल्दी हमें बूढ़ा बूढ़ी बना रहे हो, अभी मेरे कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर जी कहते हैं फिर दूसरा बार में की दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले ये आंखों में देखना कम हो, फिर हम बढ़िया चश्मा लगा देते हैं, हाँ हीरो बनते हैं। भगवान कहते हैं फिर तीसरा बार में की दूंगा। बोले क्या दोगे?
बोले खिलखिला कर जो हंस रहे हो ना, एक एक दांत तोड़ना शुरू करोगे। लेकिन पूरा जब दांत टूट जाए फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर तो फिर दांत लगा देते हैं। बोले हमारे कुछ नहीं होगा। भगवान कहते फोर्थ वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले दो प्यार से फिर तीन प्यार हो जाएंगे। डंडा लेकर के चलना पड़ेगा तुम्हें, डंडा लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, भगवान की कोई भी वार्निंग सुनने के लिए तैयार नहीं। भगवान कहते फिर फिफ्थ वार्निंग नहीं दूंगा, फिर तो राम नाम सत्य है। इसलिए ये एक एक ठाकुर जी की एक एक वार्निंग है। इसलिए समय रहते हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, भगवान की हमें भजन कर लेनी चाहिए। भगवान कहते माँ, फिर ये संसार में जीव जन्म ग्रहण करता है और यहाँ आकर के भगवान को भूल जाता है। लेकिन भूलने पर फिर जब मृत्यु होती है, फिर उसको जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य, ये तीनों में हम कर्म करते हैं। इसलिए तीन जंतु तो आकर के हम ले जाते हैं, ले करके ले कहाँ ले जाते हैं? देखो आप लोग मरने का बाद यहाँ पर गरुड़ पुराण सुनते हो कभी? यहाँ घर में गरुड़ पुराण पढ़ाई होती है, देखना कहती है 13 दिन के बाद में हम कहीं सिद्धि होते हैं। ये गरुड़ पुराण में वर्णना की है, उसको एक वैतरणी नदी पार होना पड़ता है। वो जो नदी है वो टाटी पेशाब खून और पीक का नदी होता है। उसको कोड़े मार मार करके ये नदी को उसको पार करवाना पड़ते हैं। इसलिए कभी कभी बोलते हैं ना, भैया उसका नाम पर गैया दान दे दो, वो गैया की पूंछ को पकड़ करके जल्दी जल्दी इसकी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए उसको कोड़े मार मार करके उसको 13 दिन लगते हैं ये वैतरणी नदी पार होने के लिए। लेकिन किसको लगता है? बोले जो भगवान की भजन नहीं करते हैं। और जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, भगवान के जो नाम जप करते हैं, कभी किसकी बुराई नहीं करते हैं, भगवान की भजन करे, माला जप करे, गीता भागवत पढ़े, उनको ये सब कुछ करना नहीं पड़ता, वो तो सीधा ठाकुर के पास में चले जाते हैं। लेकिन जो प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं उन्हीं के लिए इस व्यवस्था है। फिर उसको लेकर के 84 नरक में जैसे जैसे कर्म करता है उस पर ठीक वैसे वैसे फल भोग कर आते हैं। फिर उसको बाद में शुद्ध हो जाए तो उसको चंद्रलोक में भेज देते हैं। फिर चंद्रलोक से फिर बारिश को माध्यम से किसी फल को वो आश्रय ग्रहण करता है। हम लोग कहते हैं ना, दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ होता है। एकदम बात सही है। जिसकी भाग्य में जो फल लिखा हुआ होगा वो व्यक्ति केवल वही फल को खाएगा, सब नहीं खा सकते हैं। देखो एक समय दो व्यक्ति में लड़ाई हो गई, एक नास्तिक और एक आस्तिक। जो आस्तिक जो भगवान को मानता था उसने वो नास्तिक को बताया, नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानते हैं। बोले देख बेटा, दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ है। अब जो भगवान को मानना मान नहीं रहा था, बोले अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे मुंह में कोई खिला देगा? बोले देख, अगर तेरे भाग्य में लिखा हुआ होगा तो उसको कोई टाल नहीं सकते हैं, तेरे को वो खाना ही पड़ेगा। उसने भगवान से लड़ाई करके बोले मैं आज परीक्षा करता हूँ, मैं किसी पेड़ के ऊपर में चढ़ करके बैठ जाता हूँ, देखता हूँ मेरे मुंह में कौन खिलाता है। एक नदी बह रही थी, वो व्यक्ति ने एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके ऊपर बैठ गया। बोले दिखा, देखता हूँ दाने दाने में कैसे खाने वाला का नाम लिखा हुआ, देखो क्या होता है। कहते तो एक समय दो सेठ और सेठानी बोले नदी में हम स्नान करेंगे और बड़े सुंदर प्योर घी के पूड़ी, बड़े सुंदर हलवा, आलू गोभी की सब्जी बना करके लेकर गए। बोले ये नदी में स्नान करके भोजन करेंगे। लेकिन उनको पता नहीं था वो वृक्षों के ऊपर व्यक्ति चढ़ करके बैठा हुआ। उन्होंने उस पेड़ के ऊपर उसको लटकाए, जब स्नान कर रहे थे इतने में कोई जल्दी काम पड़ गया, इतने में वो भूल गए खाना, उन्हें जल्दी जल्दी स्नान करके चले गए। और उसी जंगल में कुछ डाकू लोग उसी जंगल में रहते थे, वो लोग घूमते घूमते ठीक वहीं पर पहुंचे। एक ने कहा भैया बड़े जोर से भूख लग रहा है, खाने पीने का कुछ व्यवस्था हो जाए। लेकिन वो प्योर घी के पूरी हलवा और फूल कभी आलू की सब्जी थी, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही थी। बोले भैया इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहे हैं? देखा वो वृक्षों में लटका हुआ खाना। बोले देखो कितने सुंदर खाना है। उसको उतार करके जब वो खाने के लिए जा रहा था, एक डाकू ने कहा सावधान, यहाँ पर थोड़ी कोई सेठ है तुमको खाने के लिए यहाँ पूरी और हलवा बना करके लाएंगे, देख। लगता है किसको पता है
हम लोग इसी जंगल में रह रहे हैं और हमको मरवाने के लिए किसने इसमें जहर मिला करके ना यहीं पर रख कर गया, हम खाएंगे तो मर जाएंगे। देखो जरूर ये आसपास में कोई है। बोले भैया बात तो सही बात है। वो इधर उधर देखने लगा, देखते देखते देखा उसी पेड़ के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ। बोले देखा मैं पहले से बता रहा था ना, इसने इसमें जहर मिला करके हम मरवाने के लिए यहाँ बैठा हुआ। देखते इतने में उसको बड़ा क्रोध आया, बोले नीचे उतर हमको मरवाएगा, नीचे उतर। उसको जोर जबरदस्ती नीचे उतार, बोले खा हमको मरवाओगे हैं, जहर मिला कर रखा तो काज को मार मार करके दो व्यक्ति का खाना था उसने, उसका थप्पड़ मार मार करके एक व्यक्ति को दो व्यक्ति का खाना उन्होंने खिलाया। बोले हमको मरवाएगा, तुम मर हम जा रहे हैं। जब वो चले गए ना, उसको इतना विश्वास हो गया भगवान का ऊपर में, बोले सचमुच से दाने दाने में खाने वाला का नाम लिखा हुआ। मैं कहां प्रभु के साथ में लड़ाई करके मैं परीक्षा करना चाहता हूँ, कहां पेड़ के ऊपर में कहां बैठ गया देखो, और कई समय को मार मार करके इसे खाना खिलाया। देखो वो व्यक्ति इतने बड़े संत बना, उसने ही बोला अजगर ना करे चाकरी पंखी करे ना काम, दास मल्लू तो कह गए सबके दाता राम। उन्होंने ये भजन को लिखे और इतने बड़े उसने संत हुए। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जिस फल में जिसका नाम लिखा हुआ होता है वही व्यक्ति वो फल को खाता है, वही गर्भ में जाकर के फिर ब्रज बनती है, फिर पति पत्नी का मिलन से फिर संतान की जन्म होता है। इसलिए भगवान पूरा सृष्टि का क्रम ठाकुर ने की बड़े सुंदर सृष्टि का क्रम को वर्णना की। बोले माँ भक्ति ऐसे एक चीज है, ऐसे एक चीज भक्ति है, भले ही किसी चंडाल कुल में क्यों जन्म नहीं हो, अगर वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाता है। लेकिन अगर ब्राह्मण घर में भी जन्म हुए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं फिर तो उसका कोई भी महत्व नहीं। बोले माँ ये भक्ति में कितने शक्ति है भक्ति में। देखो हनुमान जी कौन सा जाति में जन्म लिया? बोले बंदर। सबरी ने कौन सा जाति में जन्म लिया? बोले सबरी, भगवान जिसकी झूठे बैर खाए। इसलिए भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति, इसलिए माँ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कहते जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करते हैं, बोले अहो भक्त सपोच अतो गरियान जत जिह्वाग्र वर्तते नाम तुभ्यम। बोले हे माँ एक चंडाल क्यों नहीं हो, सपज मतलब चंडाल, अगर एक चंडाल क्यों नहीं हो जत जिह्वाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, जिनके जुहा में भगवान का नाम जप करता है क्या समझो ये पूर्व जन्म में चार काम करके आए। बोले क्या चार कर्म है? बोले पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुके हैं, पूर्व जन्म में सारे यज्ञ कर चुके हैं, पूर्व जन्म में सारे दान कर चुके हैं, पूर्व जन्म में सारे तीर्थाटन कर चुके हैं, सारे सत्कर्म कर लिए हैं, तभी इसी जीवन में कोई ठाकुर जी की नाम जप करते हैं। इसलिए भगवान ने अपना माँ को बड़े सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताई। फिर ठाकुर जी ज्ञान की बात बता करके चले गए, अभी गंगा सागर में गए। साल में एक बार भगवान कपिल देव का दर्शन होता है श्री गंगा सागर में। बोले श्री कपिल भगवान जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, कि राधे मेरी स्वामी मैं राधे तेरे दास, कि जन्म जन्म मेरी कियो श्री राधे राधे कही सब बाधा मिट जा, कोटि जनन की आपदा श्री राधा। कोई अभी अभी बाबा
तो इसलिए राम जी ने कहा कि इसका कोई परवाह नहीं है, मैं 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे के बाद कीर्तन करा देना और फल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं देख रहा हूँ कई लोग नहीं होते धोखा हो रहा है, लेकिन ताली बजा दे रही है देखिए नींद नहीं आई है। हो जाओ अपनी पानी में, अपने पानी में हाथ उठा कर बोलेंगे। अच्छा जो नहीं हाथ उठाएगा उसके बगल वाले के ऊपर सभी लोग हाथ उठा कर बोलेंगे क्या।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, माइक बंद, जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को नरक की वर्णना सुनाए, जे जैसे कर्म करता है उसको ठीक वैसे फल भोगना पड़ता है। जो शराब पीते हैं मरने का बाद उसको मुंह में लोहे को बला करके डालते हैं, जो इन्हीं आंखों में गंदी गंदी मूवी देते हैं उल्टा पुल्टा कहते उसको आंख को निकाल दिया जाती है, जो इन्हीं हाथों में हेर फेर करते हैं उसको अंगुल काट दिया जाते हैं, जो व्यक्ति जीवन में मांस मछली खाते हैं मरने का बाद फिर गर्म तेल में जैसे पकौड़े बनाते हैं उसे पकौड़ा जैसे बना देते हैं। जब उन्होंने ये नरक की वर्णना कर रहे थे परीक्षित महाराज को सुन सुन करके कांप उठे, बल इससे मुक्ति मिलने का कोई उपाय है क्या? नहीं बोले है, बोले कैसे? बोले शास्त्र में प्रायश्चित का बात बताया, अगर ऐसे पाप कर्म करो ऐसे अगर पुण्य कर्म करोगे फिर तुमको सारे पाप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन परीक्षित महाराज इसको सुन करके प्रसन्न नहीं हुए, बोले क्यों? बोले प्रायश्चित कैसे है? कहते कुंजर शौचवत, मतलब है एक हाथी को आप लेकर के तालाब में अच्छे तरह से उसको स्नान करा दो, वो हाथी ऊपर उठते ही सबसे पहले वो धूल ढूंढता है, सूंड में धूल को लेकर फर करके सारा शरीर लगाएगा फिर वो जाएगा। दूसरा उदाहरण दिया कुंजर शौचवत गुल वेणु गुलमगत, मतलब है जैसे बांस वृक्ष को काट दो और उसमें आग लगा दो, ऐसे लगेगा जैसे सबके सब जल गया, लेकिन फिर बरसात का समय आए फिर नया नया फिर उसमें अंकुर निकलेगा फिर झाड़ निकलेगी। कहते जो प्रायश्चित है ऐसे पाप कर्म करो फिर दुखी दरिद्र को थोड़ा बहुत दान दे दो फिर घर में आकर फिर वही पाप कर्म करना शुरू कर दो, बोले ये मेरे को सही सही जचा नहीं। कहते और ऐसे कोई उपाय है क्या? जो हृदय से भी ये पाप करने का वृत्ति ही खत्म हो जाए, ऐसे कोई उपाय बताओ। बोले देखो, बोले केचित केवल या भक्त्या, बोले देखो भगवान की जो भक्ति है ये भक्ति ऐसे की चीज है, बोले निहार की बभास कर, जैसे सूरज उदय होने पर अपने आप सारे अंधकार दूर हो जाता है, अगर किसके हृदय में भगवान की भक्ति अगर प्रकट हो जाए अपने आप सारे अंधकार पाप करने का वृत्ति तक भी खत्म हो जाएगी। बोले तेरे को मैं एक सुंदर कथा सुनाता हूँ, भगवान का नाम में कितने शक्ति है। बोले एक अजामिल नाम का एक व्यक्ति था, ब्राह्मण घर में जन्म हुई है, पत्नी बड़ी सुंदरी कम उम्र की, एक व्यक्ति का अंदर में जितने सद्गुण होनी चाहिए इसको अंदर में ये सारे सद्गुण था। एक दिन उसने जंगल में गया यज्ञ के लिए कुछ हवन सामग्री को इकट्ठे करने के लिए, लेकिन उसने देखा एक शूद्र और एक शूद्राणी विवस्त्र होकर के शराब पी करके मिल रहे हैं। अजामिल तो उसको देखते ही रह गया और उसका हृदय में मानो ये फटो खींच गई। लेकिन जब उसने घर में आया बारंबार वही चिंता बारंबार वही चिंता, अभी उसने अपना पत्नी को उसने त्याग दी और वो जो शूद्राणी वेश्या थी अभी उसको साथ में उसने रहने लगा। देखो ये आंख कितने बदमाशी है, इसलिए जितने इंद्रियों में है ना ये जो आंख है ये सबसे बड़ा पाप करने वाला ये आंख है। घर में कितनी सुंदरी स्त्री थी ब्राह्मणी घर की स्त्री, लेकिन एक बार उसने ये गंदी चीज को देख लिया तो क्या हुआ उसके हृदय में फटो खिंच गई और उसने अपना पत्नी को भी त्याग दी, वो वेश्या शूद्राणी को साथ में रहा और उससे संतान हुए, उसको जितने तरह का गंदा काम चोरी गुंडागिरी सारे गंदा काम किया, उसकी हाथों में अमेध्य कुमेध्य उसने भोजन की, मतलब ये आंखों से देखो अभी इतने डाइवोर्स से क्यों हो रहा है और इतने इतने गंदे गंदे काम क्यों हो रहा है? कारण है ये जो टीवी में ना इंटरनेट मोबाइल है स्मार्टफोन आप जो कुछ देखना चाहो उसमें देख लो खोल करके,
पहले जो सिनेमा आती थी सब धार्मिक पिक्चर आती थी, अभी कोई धार्मिक पिक्चर आएगा तो सिनेमा चलेगी नहीं। जितने गंदी गंदी चीजें आएगी वही फिल्म उतना बढ़िया चलेगी। और बच्चे इस सब चीज को देख करके जितने गलत काम सब करना शुरू करते, ये अजामिल जैसे व्यक्ति इतने धार्मिक ब्राह्मण घर में सद्गुण संपन्न, और एक बार उसने गंदा चीज देखा तो उसका हृदय एकदम गंदगी हो गई। अगर दिन भर हम स्मार्टफोन को लेकर के उल्टा उल्टा गंदी चीज को देखेंगे, अरे हमारे हृदय पर क्या होगी। उसने उसके 10 बच्चे हुए, लेकिन किसी तरह से जो छोटा बेटा था उसका नाम उसने रख दिया नारायण। अब सबसे छोटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, बोले बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ बेटा। बोले नारायण तू कहाँ हो, इधर आ जा बेटा, नारायण मेरे गोद में आ जा। अभी बात बात में नारायण नारायण नारायण। हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य में, ये तीनों के द्वारा हम कर्म करते हैं। अब इनकी मृत्यु का समय आया तो इसको लेने के लिए 3 जमदूत आए। इनकी डर से उसने देखा दूर में उसको बेटे को खेलते हुए, उसने जोर से पुकारा बेटा नारायण। ये 4 अक्षर है ना रा या और ना, ये 4 अक्षर है। इतने में झट वैकुंठ से 4 विष्णु दूत आ गए, एक तरफ में 3 जमदूत। अभी दोनों का अंदर में बड़ी घमासान तर्क वितर्क हुआ। जमदूत कहते हैं हम ले जाएंगे और विष्णुदूत कहते हैं हम ले जाएंगे। देखो अभी ध्यान देकर के सुनिए, अगर बच्चों का नाम अगर भगवान का नाम पर धरा जाए तो कितने इसकी महिमा है, ये चीज को देखो। विष्णुदूत कहते भैया तुम लोग कौन हो, बोले हम धर्म जम रहा जगह दूत है। बोले धर्म का नाम पर अधर्म करने जा रहे, बोले क्या अधर्म है आपको पता नहीं, इसने जन्म ग्रहण किया ब्राह्मण घर में, लेकिन अपना ब्राह्मणी को परित्याग करके इतने शूद्राणी वेश्या के साथ में रहा, उसके हाथ का अमेध कुमेध को उसने भजन की। फिर बच्चों को पालना करने के लिए उसने जितने तरह का डाकू गुंडागर सारे गंदा काम की, सीधा नरक जाएगा। विष्णु तो कहते हैं भैया उसने थोड़ी बहुत पुण्य भी तो किया। बोले क्या पुण्य किया, बोले ये अंतिम समय में जो ठाकुर जी का नाम लिया। बोले बा जिंदगी भर पाप कर्म करो और मरने से पहले एक बार प्रभु का नाम ले लो, बोले हो जाएगा। तब विष्णुदूत कहते हैं तुम्हें पता क्या ठाकुर जी के नाम में कितने शक्ति है। उदाहरण देते हैं जैसे भूस का कोई ढेर हो, नहीं तो रुई का कोई ढेर हो, अगर उसमें एक आग की चिंगारी अगर गिर जाए ना वो जला करके सबके सबको राख कर देता है। और जो भगवान का जो नाम है हरी से बड़ा हरि का नाम है। पंडित जी यहाँ को आए ना आपको ऊपर उठने बत जाते हैं, सबके सब बाद में दे जाए। इसलिए भगवान का जो नाम है हरि से बड़ा हरि का नाम है। इतने में विष्णुदूत ने कहा, जमदूत ने कहा, बोले उसने फिर भगवान को कब बुलाया, वो तो अपना बेटे को बुला रहा था, भगवान को तो बुलाया नहीं। ध्यान देख रहे सुनो अच्छे तरह से, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है ये। बच्चों का नाम पहले क्यों भगवान का नाम धराया करते थे, बोले उसने भगवान को कब बुलाया, वो तो अपना बेटे को बुलाया था, भगवान को तो बुलाया नहीं उसने। बोले देखो वो जो बेटा को बुलाया लेकिन नाम किसका है, बोले भगवान का नाम उसको धराया गया था, लेकिन नाम किसका, बोले भगवान का नाम है उसको धराया गया था लेकिन नाम वो भगवान का नाम है। बोले देखो जब उसने केवल बेटा का नाम नारायण रख लिया था उसको सारे पाप से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन उसने जो बारंबार अपना बेटे को नारायण 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 बुलाया, जैसे हम माला जप करते हैं ना, ये हो गया माला जप। लेकिन अंतिम समय में जो भगवान का नाम को उसने लिया है, ये भगवान की विशेष कृपा है जो अंतिम समय में भगवान का नाम को उसने लिया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बले जन्म जन्म मोनी जाता न कराए, जन्म जन्म मोनी जाता न कराए, जन्म जन्म मोनी जाता न कराए, जन्म
जिसका दो अर्थ होता है। बोले जन्म जन्म मुनि जत्न कराए, बोले मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जत्न करने पर भी अंतराम कहीं आवत नहीं, तब भी अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आता है, ये एक अर्थ है। इसके दूसरा अर्थ है बोले जन्म जन्म मुनि जत्न कराए, जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जत्न करते हैं फिर अंतराम कहीं, तब भी अंतिम समय में भगवान के नाम निकलेगा, और अंतराम कहीं फिर आवत ना, फिर संसार में आना नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर किसको भक्ति करने के बाद ना बोले ये कोई भजन करने का अभी कोई उम्र है, अभी हम जब रिटायर लाइफ हो जाएगा तभी एक दो माला कर ही लेंगे, तो ये बचपन से भक्ति का बात क्यों कर रहे हैं, अभी तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, फिर तो नौकरी चाकरी करेंगे, शादीशुदा करेंगे, बच्चे होंगे उनको भी शादीशुदा दे करके जब रिटायर लाइफ होगा एक दो माला कर लेंगे। तुम अभी से कर रहे हो भगवान की भजन करने की, गोस्वामी जी कहते नहीं, जतन जन्म जन्म मुनि जतन कराई। मुनि लोग क्यों जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं, बोले क्यों, बोले तब भी जा करके अंतिम समय में प्रभु का नाम निकलेगा, क्योंकि रील में जो भरा हुआ होगा वो चीज तो निकलेगी, अभी रील में जो भरा नहीं हुआ फिर वो कहां से निकलेगी। अगर बचपन से अगर हम आदत डालेंगे तभी तो जा करके अंतिम समय में भगवान का नाम तभी निकल सकता है। एक बार सबके सब हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर कर बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कहते हैं कि जो भगवान का नाम कहते ये चार ही तरह का जीव से को कल्याण करते हैं। बोले कैसे कैसे, बोले सांकेत्यम परिहस्यम वा स्तोभम हेलनम वा। पहला पहला नंबर है सांकेत्यम। सांकेत्यम का मतलब होता है इशारा करके, जैसे बेटे का नाम कृष्ण गोविंद राम रख लिया, बार बार बेटे को बुलाते बोले कृष्ण इधर आ जा राम इधर आ जा, इसको संकेत कहते हैं। इसलिए आप जितने बड़े बूढ़ों का नाम पूछो, जितने माताओं का नाम पूछो, देखना सबके साथ ठाकुर जी का नाम करें, कृष्ण गोविंद दामोदर सब एक नाम रखते थे, सब सब इसी नाम से रखते थे। लेकिन अभी जो नए नए बच्चे हो रहे हैं इनके नाम को पूछो, टिंकी टुल्लू बुल्लू है, जितने विदेश में हम जाते हैं ना ये सब कुत्तों का नाम है, ये बच्चों का नाम अभी कुत्तों का नाम पर नाम भरवाते। बोले अभी ये सब पुराना संस्कृति थी, कृष्ण राम गोविंद सीता गीता ललिता विशाखा ये सब पुराना पुराना नाम थी, अभी तो अंग्रेजी जमाना आ गया ना, अंग्रेज युग आ गया, अभी तो हम बच्चों का नाम सब अंग्रेजी नाम पर नाम भराए। ऐसे नहीं, देखो आप लोग वृंदावन आना, वहां पर एक अंग्रेजी मंदिर है, आप वो मंदिर में जाना, देखना छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको नाम पूछ करके देखो। हम तो अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित होना चाह रहे हैं, उनकी बच्चों को जा करके पूछो, छोटे छोटे बच्चों का नाम पूछो, सब ठाकुर जी का नाम है, सब ठाकुर जी का नाम रखते हैं, उल्टा पुल्टा। हम तो कहें गुड मॉर्निंग, उनको गुड मॉर्निंग नहीं कहते, गुड इवनिंग नहीं कहते, वो कहते हैं राधे राधे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण, वो उल्टा पुल्टा बात नहीं करते हैं। पहले अंग्रेजी हमारा देश में आए थे, हमारे सारे धन को लूट कर, अभी अंग्रेजी लोग आए हैं और सारे हमारे भक्ति को लूट करके ले जा रहे हैं, सारे भक्ति को लूट करके लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर हम बच्चों को अंग्रेजी सिखाएंगे, अंग्रेजी जैसे खान पान रहन सहन हम करेंगे, अब उनको जाकर के देखो, हम कहेंगे हम तो स्पून चम्मच में खाएंगे, वो लोग चम्मच से व्यवहार नहीं करते, वो हर चीज हाथ में खाते हैं, क्यों, ये हाथ में एक अमृत है, अंगुल में अमृत है, इसलिए वो सबके सब आप जाकर देखो, अंग्रेजी लड़कियों को याद करके देखना, सबके सब सर में कपड़ा रख रखते हैं, सबके सब सर पर कपड़ा रखते हैं, सारे को सारे देखो कि बगैर कपड़े के देखोगे नहीं, सर पर कपड़ा रखते हैं,
इसलिए वो लोग अभी हमारी संस्कृति को वो भी धीरे 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 अपना रहे हैं, देख रहे हैं। अगर शांति सुख कहेंगे ना, ये भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो चीज रख कर गए, इसलिए आप लोग बच्चों का नाम कभी भी उल्टा बुल्टा नाम मत रखिए। पहले ब्राह्मणों को बुलाओ, बुला करके उसका जन्म नक्षत्र को देखो, एक पहले अक्षर निकालो, वो अक्षर को पहले रख करके कोई भगवान का नाम हो, नहीं तो भगवान किसी भक्तों का नाम हो। जैसे देखो हमारी माता जी का नाम क्या, माता जी तुम्हारी गिरिराज कुमारी, देखो कितना सुंदर नाम रखे, गिरिराज कुमारी कौन है, पार्वती का नाम है, हाँ पार्वती का नाम है। इसलिए पहले गीता सीता जितने बड़े बड़े माताओं को पिताओं को पूछ लो, लेकिन अभी बच्चों का नाम किसको पूछो, कोई भगवान का नाम नहीं रखते। इसलिए आप लोग सबके सब बच्चों का नाम ठाकुर का नाम पर धराओ, जितना बार मुंह से भगवान का नाम निकलेगा हमारा जीवा भी पवित्र होगा। जिस घर में प्रभु का नाम गूंजे वो घर भी पवित्र होगा, वो बच्चा को कान में जितना बार ठाकुर जी का नाम पड़ेगा बच्चे का भी कल्याण होगा, सबको कल्याण कल्याण ही, क्योंकि भगवान का जो नाम है मंगल भवन अमंगल हरे, ठाकुर जी का नाम ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर विष्णु दूत कहते हैं भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है। पहला नंबर है सांकेत्यम, मतलब इशारा करके अगर बुलाओ उसको उसमें भी कल्याण, बोले दूसरा है बोले पारिहास्यम, पारिहास्यम मतलब हंसी दिलगी करते करते, अरे राम राम बोलने से क्या होता है, कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या, अगर हंसी दिलगी करते हुए अगर बोल दिया तब भी भगवान का नाम जीव का कल्याण कर लेते हैं। देखो हमारे गुरु जी एक कथा सुनाया करते थे, ध्यान देखिए सुनो, एक समय दो भाई रहते थे, एक नास्तिक और एक आस्तिक, मतलब एक मानता और एक मानता नहीं। जो भैया भगवान की भक्ति करता था उसको पता पर प्रभु का नाम में कितने मस्ती कितने आनंद है, वो कहता था दूसरे भाई को तू भी भगवान की भजन कर, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करता था। उसने एक दिन अपना घर में अपना गुरु जी को बुलाया, बोले गुरु जी मेरे छोटे भैया भजन नहीं करते हैं, एक दिन हमारे घर में आओ, सत्संग रखो, कीर्तन करो और छोटे भैया को थोड़ा समझाओ, वो भी भगवान की भजन करे, फिर दोनों भैया अच्छे तरह से भक्ति करेंगे। गुरु जी बोले ठीक है। गुरु जी जब घर में आए छोटे भैया को पता चला कि अपना गुरु जी को बुलाया, बोले क्यों बुलाया, बोले हमें समझाएगा, बोले मैं बैठूंगा सत्संग में तभी तो मेरे को समझाएगा। जब देखा गुरु जी आए ना, वो बाथरूम में जा करके अंदर से कुंडी को बंद कर दिया, बोले मेरे को सत्संग में बैठना ही नहीं, मेरे को क्या समझाएंगे गुरु जी। अभी गुरु जी ने कथा किए सत्संग किए, जब जा रहे थे बोले भैया जिसके लिए आया वो स्वयं नहीं आए, जाते समय उन्होंने दरवाजा खटखटाया, बोले बेटा दरवाजा खोल दो, बोले मैं दरवाजा नहीं खोलता, बोले बेटा एक बार तो खोल दे। जब एक बार खोल दिया गुरु जी उसको पकड़ लिए, बोले तू एक बार कृष्ण बोल, एक बार कृष्ण बोल। उसने कहा मैं कृष्ण नहीं बोलता, क्या बोला उसने, मैं कृष्ण नहीं बोलता, बोला तू कृष्ण बोल ही दिया। देख बेटा अगर ये नाम को तुम नहीं बेचोगे ना, इसी नाम से तेरे को मुक्ति मिलेगी, बोले ठीक है गुरु जी। जब इसकी मृत्यु हुई, जमदूत जब इसको लेकर के गए, चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो, बोले बताओ तो कितने पाप कितने पुण्य, बोले महाराज इसका तो कोई पुण्य नहीं, बोले ठीक से देखो, बोले एक पुण्य है, इसके घर में इनकी गुरु जी आए थे और इसको बोले तू एक बार कृष्ण बोल, गुरु जी के मुंह से सुन कर एक बार कृष्ण बोला। और गुरु जी ने कहा अगर ये नाम को तू नहीं बेचोगे, इसी नाम से तेरे को मुक्ति मिलेगी। उसने ये नाम को बेचा भी नहीं, इसलिए केवल एक कृष्ण नाम उसने उच्चारण की। उसको पूछे ये बताओ पहले तो पाप लोगे ना पुण्य लोगे, इतने में उसको गुरु जी के नाम याद आया, गुरु जी ने कहा था अगर ये नाम को तुम नहीं बेचोगे ये नाम से तेरे को मुक्ति मिलेगी, बोले मेरे को एक कृष्ण नाम का फल मुझे दे। तब जब महाराज भागवत को खोले, जब भागवत को खोले वहां पर एक श्लोक मिला, बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फल चीति स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हलयाबा
विभुवर नर मात्र तारे ते कृष्ण ना। इसका मतलब है भगवान का जो नाम है ये मधुर से भी मधुर है, ये मंगल से भी मंगल प्रभु का नाम। सत्री मतलब एक बार, श्रद्धा नहीं तो हेला से अगर भगवान के नाम निकल गया तो बोले अशेष अगहरा विदु, जन्म जन्मांतर का सारे पाप को नष्ट कर देता है। और हरि से बड़ा हरि का नाम ही, अभी जब महाराज बाकी काम नहीं किया एक कृष्ण नाम का फल किया दो, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ करके। जब महाराज का तो दिमाग ही काम नहीं किया, बोले भैया मेरे दिमाग का काम नहीं कर रहे हैं, एक कृष्ण नाम का क्या फल दूं। बोले चलो ब्रह्मा जी के पास में उनको पूछेंगे। बोले चलो तुम, बोले मैं चल करके नहीं चलूंगा, मेरे लिए पालकी मंगा, पालकी में ले जाना पड़ेगा ब्रह्मलोक। अभी जब महाराज चित्रगुप्त पालकी मंगवाए और इसके ऊपर बैठा करके जब ब्रह्मलोक जा रहे थे, ब्रह्मा जी दूर से देखा जिसको जम और चित्रगुप्त कंधे पर पालकी में ले रहा है, आला ला रहे हैं, जरूर ये को बहुत बड़े कोई पुण्यात्मा होगा। उन्होंने थाली में आरती को सजा करके उनको आरती उतारने के लिए वहां पर प्रस्तुत रहे। जब ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी बोले भैया ये पुण्यात्मा कौन? बोले ये पुण्यात्मा नहीं, ये पापात्मा। बोले फिर आप उसको कंधे पर क्यों लाए हो? बोले बीच में फंसा दिया, गुरु जी की मुंह से एक बार कृष्ण नाम सुना तो गुरु जी बोले मुक्ति मिलेगा, ये कहता है एक कृष्ण नाम का फल दो। हमने सारे शास्त्र को ढूंढ लिया, शास्त्र में एक ही बात बताया हरि से बड़ा हरि का नाम। हमारा दिमाग ही काम नहीं किया, पितामह आप ही बताओ। ब्रह्मा जी भी सारे वेद पुराण को ढूंढे, उनको भी यही चीज मिला। भागवत में कहते हैं बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शोध नित्य मुक्त अभिनत्वात नाम नाम। भगवान का जो नाम है और जो भगवान है उनमें कोई फर्क नहीं, वो एक ही है, वो एक ही है। उनका दिमाग में काम नहीं क्या? बोले भैया शंकर जी के पास में चलो, वो वैष्णव में परम वैष्णव शंकर जी। बोले मेरे को कंधे पर ले जाना पड़ेगा, ब्रह्मा भी कंधे लगाए। शंकर जी पार्वती जब दूर से देखे, भैया ब्रह्मा किसको कंधे पर ला रहे हैं? वो भी आरती का थाली लेकर प्रस्तुत रहे। बोले भैया ये पुण्यात्मा कौन? बोले पुण्यात्मा नहीं, ये पापात्मा है, हमको बीच में फंसा दिए। बोले आप ही बताओ। शंकर जी सारे वेद पुराण को शंकर भी ढूंढ लिया, उनको भी यही चीज मिली। शंकर जी का दिमाग भी काम नहीं किया। बोले जिनका नाम है चलो उनको पास में, भगवान के पास में चलते हैं। जब भगवान को पास में गए, भगवान ने कहा भैया ये पुण्यात्मा कौन जो शंकर भी ब्रह्मा भी हाँ चित्रगुप्त ये भी कंधे पर लाए, ये कौन है? बोले ठाकुर जी ऐसे ऐसे बात है, आपकी भक्त के मुंह से एक बार कृष्ण नाम बोला, वो कहता है फल दो। सारे शास्त्र को हमने ढूंढा, एक ही बात मिला हरि से बड़ा हरि का नाम, आप ही बताओ प्रभु जी। भगवान बोले उसको ले आया। जब उसको ले आया ठाकुर जी स्वयं उसको गोद में बैठा दिया। बोले प्रभु क्या फल? बोले फल यही है, अगर शुद्ध साधु की मुंह से एक बार कोई कृष्ण नाम सुन करके कृष्ण नाम करे तो जिसको स्वयं जम महाराज, जिनको स्वयं श्री चित्रगुप्त, स्वयं ब्रह्मा शंकर भी जिसको कंधे पर लेकर के गोलोक वृंदावन में पहुंचा देते हैं, और भगवान जिसको अपना गोद में स्थान दे देते हैं, इसका यही फल है। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, सच्चिदानंद गौर हरि की जय, जय श्री राधे। इसलिए भगवान के नाम में इतने शक्ति है। वामन देवता यार ने प्रभु जी कहते ये देवता दैत्य में जब लड़ाई होती थी, जब देवता मरते थे पूरा पूरा मर जाए, दैत्य मिले इनका गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से उनको जिला दे। एक दिन देवता लोग भगवान के पास में पहुंचे, बोले हम अमर कैसे बनेंगे? बोले देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करो, अमृत पी करके अमरत्व को प्राप्त करोगे। मंथन हुई तो सर्वप्रथम हलाहल 20 निकला। श्री भोले बाबा को प्रार्थना की, शंकर जी टन के टन उन्होंने पूरा पूरा हरा हलाहल 20 को पान करके उन्होंने कंठ में रखे तो इनका नाम पड़ गया नीलकंठ नाम पड़ गया। इसलिए इनका एक नया नाम हुआ है, बोले श्री नीलकंठ महादेव। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, शंकर जी ने बहुत अच्छी सी शिक्षा दी।
बोले कोई गंदी चीज हो ना हृदय में मत रखा करो, और कोई गंदी चीज होगा उसको मुंह में भी मत रखा करो। बोले क्यों? फिर लड़ाई झगड़े का काम बनेगा। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे हमारा शरीर में हर जगह में हड्डी है, अंगुल में हड्डी सीधा कर देते हो, हाथों में हड्डी सीधा हो जाती है, पैर में हड्डी चलते हो, कमर में हड्डी बैठ जाते हैं। आप लोग बताओ शरीर में ऐसे कौन सा चीज जिसमें हड्डी नहीं है? कौन बोलेगा? बोलो कौन है? जीव है। कौन बोल रहा है? जीव है। कौन बोल? हाँ भैया बड़ी पंडित है। देखना केवल ये जीव में हड्डी नहीं, इसलिए देखना जो जीव है ना चुपचाप नहीं बैठी, लपर 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 करती रहती है। आप देखना ये जितने झगड़ा का कारण है ना ये जीव है। आपको पता है ये महाभारत युद्ध क्यों हुआ? ये जीव का कारण से। केवल द्रौपदी इतनी सी बात दुर्योधन को बताया, अंधा का बेटा अंधा, यही महाभारत का कारण। जानते हो ये रामायण क्यों हुआ? ये मैया सीता भी गड़बड़ी की, बोले उसने भी कुछ जीवा को चलाया। जिस समय मारीचि को पीछे प्रभु राम चले गए, वो तो था राक्षस, मैया सीता ने कहा हिरण को पकड़ करके ला दो। इतने में लक्ष्मण को बोले तू खबरदार यहाँ से जाना नहीं, यहाँ पर राक्षस लोग रहते हैं। प्रभु राम ने जब बाण मारे, इतने में मारीचि ने बोला भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण बचाओ। सीता ने बोले तुमने सुन लिया, राम का ऊपर में कोई विपत्ति आ पड़ी है। लेकिन लक्ष्मण को बता भगवान राम में कौन क्या विपत्ति आ सकती है। बोले तुम जाओ। बोले मैं नहीं जा सकता हूं। इतने में सीता इतनी सी बात बता दी, अभी मैं समझ रही हूं तू जंगल में साथ में क्यों आया था, और वो तू ये सोच रहे हो राम मर जाएगा तो तुम मेरे से शादी करोगे? मैं कभी तेरे को शादी नहीं कर सकती हूँ। लक्ष्मण कहाँ सहन कर सकता है, जिसको माँ बाल मान करके पूजा करता है, जिनकी चरण के बगैर कभी मुख दर्शन नहीं किया, वो कैसे मान सकता है। इतने में सीता ने लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा को काट करके बोले इसको कभी क्रस नहीं करना। लक्ष्मण गए, रावण सन्यासी बन करके आया। सीता ने दो गलती की। देखो माता है ये चीज को समझो, दो चीज आपसे कभी नहीं होनी चाहिए। पहला नंबर तो ये जीवा कभी मत चलाया करो। आप देखना घर घर में भाई भाई में क्यों लड़ाई है? जो भाई एक पिता से जन्म होंगे क्यों लड़ाई? ये बहू की वजह से लड़ाई होती है। केवल बहू की वजह से ही लड़ाई होती है, कुछ नहीं हुआ, केवल जीवा केवल सीख हो गया, फिसल गई जीवा। बोले उसने हमको ऐसे बताया था, उसने मेरे को ऐसे बताया था। देखना भाई भाई में महाभारत घर घर में शुरू हो जाता है, घर घर में घर महाभारत हो जाती है। इसलिए माताओं को शिक्षा देती है खबरदार ये जीवा को चाहता चलाया करो, ये जीवा को कभी लपर 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 करना नहीं। फिर तो घर में महाभारत भैर। दूसरी गलती क्या की? लक्ष्मण रेखा को हमने पार की। यहां शिक्षा देते हैं माताओं को कभी भी अपना मर्यादा से बाहर नहीं।